सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम लोग रेडी होके फुल फैमिली कार में सब आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मेरी मौसी के यहाँ। मेरे मौसी मौसा जी की जो है 25th एनिवर्सरी है, तो उस सेलिब्रेशन में हम लोग जा रहे हैं और युग भी जा रहा है फर्स्ट टाइम। और तो चलो चलते हैं। और पापा देखो छुप चुके हैं, ये देखो अभी शर्माते हैं पापा जी ब्लॉग में आने से। तो ऐसे ही पापा शर्माते हैं अभी कैमरे से ना, तो इसलिए नहीं आते। मम्मी नहीं शर्माती हैं और कोई नहीं शर्माता है, ये बोलते नहीं है, वैसे आ जाते हैं बस। ऐसे ही है हमारी फैमिली का ना, थोड़े से शर्मीले लोग हैं कैमरे पे बस। और ये देखो ये है मेरा कैमरा बॉय, हेलो बोल दो सबको। हेलो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना गाइस। देखने के लिए तो काम बंद कर रहा है गिन्नू। और ये यहाँ से गुरुकांत के पाठ को विश्राम देते हैं और प्रेम के साथ हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद भगवान की आरती। तो यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट होने से पहले रखा गया था सुंदरकांड का पाठ, जो कि समाप्त हो चुका था। आरती वगैरह सब हो चुकी थी और यहाँ पर हो रही थी जयमाला की तैयारी। और इंडियन टिपिकल फैमिलीज, जो कि आज भी हमारी मम्मी वगैरह के एज के जितने भी होंगे, वो शर्मीली दूल्हा दुल्हन होते थे उस टाइम गाइज। आजकल तो कोई नहीं शर्माता, बट ये लोग बहुत शर्माते हैं। सोचो 25 साल हो चुके हैं फिर भी जयमाला डालने में इतने शर्मा रहे थे। और बहुत ज़बरदस्ती ये जयमाला डलवाई गई है, बिल्कुल मना कर रहे थे मौसा जी तो बिल्कुल ही, कि जयमाला वगैरह कुछ मत डलवाना। बट आजकल के बच्चे जो हैं वो सब कुछ करवा ही लेते हैं, तो प्रेशर में आके फिर बंदा कर ही देता है। फिर मौसा जी ने जयमाला वगैरह करी, उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। देखो 25 साल एक बहुत लंबा समय होता है, और दोबारा से अगर ऐसा कोई फंक्शन हो रहा हो या ये वाली फीलिंग आए, तो जो अपने शुरू के दिन होते हैं वो सब याद आ जाते हैं। तो मौसी जो है यहाँ पर, थोड़ी सी उनकी आंखें नम हो रखी थी। ये मौसी जी के सास ससुर हैं और ये मम्मी जी यहाँ पर, और सारे गेस्ट जो भी आए हुए थे अपना आशीर्वाद देने के लिए खड़े हुए थे, सामने खड़े हुए थे, तो ताकि नए दूल्हा दुल्हन को थोड़ा सा अच्छा फील हो। भाई नए ही हैं जिन्होंने 25 साल हंसी खुशी बिता दी, उनसे नया कौन सा जोड़ा हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इनकी साली की शादी है। फिर हम लोगों ने डिनर किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। और गाइज, हर किसी को अपनी लाइफ के छोटे छोटे पल एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि समय का किसी को नहीं पता है, ठीक है। यही यादें होती हैं जो हमारे साथ हमेशा रहती हैं। और यहाँ जो है मम्मी पापा वगैरह सब फोटो वगैरह ले रहे हैं। तो गाइस, पार्टी ओवर हो गई है हमारी और हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर सब बाय बाय कर रहे हैं। बाय, कब आप लोगों से मिलते हैं घर चल के। और सबसे मुश्किल काम लगता है अपने मायके वालों को बाय बाय बोलना, तो यहाँ पर बस वही चल रहा था। मैं 5-10 मिनट फ़ोटो के बहाने ना सबको लेट कराती रहती हूँ, तो जल्दी अब मैं जाऊँगी अब ऐसे अपने मायके। सो गाइज, हम लोग आ गए थे, रात काफ़ी लेट हो गया था। फिर यशवी को होमवर्क कराया उसका स्कूल का ना, कि और अब वो स्कूल चली गई है। और सो के आराम से उठे, नहाए धोई, खाना खाया, और उसके बाद मैंने अपना जब YouTube स्टूडियो खोला तो देखा कि मेरे 20K हो गए। और मैंने अपने इमोशंस, मतलब मेरा ये है कि मैं अभी इमोशंस नहीं दिखा पाती, मैं अभी फ्रैंक नहीं हूँ। मैं अगर मतलब हंसी दिखा पाती हूँ अपनी, अगर कभी मैं इमोशनल होती हूँ, मुझे रोना आता है ना, तो मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, मुझसे नहीं रिकॉर्ड किया जाता खुद को रोते हुए ना। तो पर आज पता नहीं क्यों, जब मैंने स्टूडियो खोला ना अपना, देखा 20K सब्सक्राइबर हो गए मेरी यूट्यूब फैमिली पे। गाइस, मैं बता ही नहीं सकती कितनी ज़्यादा मैं खुश हूँ। कितना एक अजीब सा लग रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा। पहली बात तो सपना लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा मेरे 20K हो गए। पर उसको जब जब देख रही हूँ ना, तो आँखों में आंसू आ रहे हैं कि 20K मेरे हो गए। और कभी आप लोगों का प्यार मिला तो 50K भी होंगे, 1 लाख भी होंगे, मेरा कभी सिल्वर बटन आएगा। मतलब मुझे अब ये है कि मतलब ये सच में मेरे साथ हो रहा है।
मैं बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा खुश हूँ, कितना ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है। इतनी जल्दी मतलब मैं दो मेरी जब इंस्टाग्राम पे वीडियोस वायरल हुई थी उसके बाद मैंने अपना चैनल बना लिया था 2022 के एंड में, शायद व्लॉग डालने मैंने शुरू करे 2023 में, और एक डेढ़ साल हो गया मुझे व्लॉग डालते हुए। कभी गैप भी ले लेती हूँ, कभी कुछ भी कर लेती थी, फिर लगता था नहीं यार होगा होगा ज़रूर होगा ज़रूर होगा, डालते रहो डालते रहो। फिर लोग सपोर्ट कर रहे थे, फैमिली वाले सारे, ससुराल में भी, मायके वाले भी, सारे दोस्त वगैरह सब मोटिवेट कर देते थे, मेरी बेटी, मम्मी व्लॉग डालो व्लॉग डालो, हमारा भी सिल्वर बटन आएगा। लगता ही नहीं था बीच में बताया गाइस ऐसा हुआ था कि मैंने छोड़ दिया था कि नहीं होगा मेरा, ना नहीं मेरा यूट्यूब पे कुछ नहीं होगा, इंस्टाग्राम पे ही चल रहा है, वहीं करती हूँ। बट फिर डाली और किस्मत का कुछ नहीं पता गाइस, कुछ भी नहीं पता। एक वीडियो इतनी वायरल हुई कि उससे जो है आप लोगों को इतना प्यार मिला और जो है 20K सब्सक्राइबर भी हो गए। बस ऐसे ही चाहती हूँ, ऐसे ही आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे, थोड़ा सा मोटिवेशन। अभी ना थोड़ा सा मैं भी अपने इमोशंस नहीं दिखा पाती हूँ, जैसे जैसे आप लोगों से कनेक्ट होंगी, ठीक है, हम लोग एक बड़ी फैमिली बनेंगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानने लगेंगे, तो मैं मतलब बिना झिझक के आप लोगों के साथ अपनी हंसी और खुशी, अपना रोना, अपना दुख सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। हर किसी की लाइफ में जो है ना दुख होते ही होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे में कुछ नहीं है, ठीक है, या मुझे कभी नहीं हर्ट हुआ या मेरे साथ कभी कोई दुख वाली चीज़ नहीं होती या सब कुछ अच्छा है मेरी लाइफ में, ऐसा किसी के भी साथ नहीं होता। बस ये कि मैं दिखा नहीं पाती हूँ अभी, और दिखाऊंगी ज़रूर दिखाऊंगी, और अभी भी रोक रही हूँ, मतलब क्यों आते ही नहीं है, आ रहे हैं यार, पता नहीं। आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू। और फंक्शन से आए थे, आके सुबह देखा तो 20K हो रखे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बस ऐसे ही अपना प्यार बना के मेरे साथ रखो, अपना आशीर्वाद दो, जो भी बड़े हैं मेरे छोटे हैं अपना प्यार दो, और बस मेरा जो सपना है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब कभी हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है पूरा, जब ये हो गया तो वो भी हो जाएगा। तो भी पॉजिटिव रहना है, और थैंक यू सो मच आप सबका, और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइज। जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखा करो, रेड कलर का बटन है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, जिससे कि मेरी जो भी वीडियोस आए, व्लॉग आए या रील्स आए, शॉर्ट वीडियोज़ आए, आपको सबसे पहले दिखे, आपके फीड पर आए, तो आप जो है सारी चीज़ें जो है सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो। और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे यहाँ मेला लगा हुआ है गाइज, मौका नहीं मिल रहा जाने का ना, इस बार जा ही नहीं पाए, पर आपको दिखाऊंगी क्या क्या आया है वहाँ पे अच्छे से ना, थोड़ा सा भीड़ भी थी, भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, प्रॉपर व्लॉग दिखाऊंगी क्या क्या हुआ है चैती मेला जाने का, तो वो भी आएगा व्लॉग, जल्दी आएगा, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि फंक्शन से एक दो ना उधर जाना पड़ गया। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही, और अपना प्यार देना, और थैंक यू सो मच गाइस 20K कराने के, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्या बोलूँ आप लोगों के लिए, आप मेरी फैमिली हो, बहुत बड़ी, और बड़ी होती जाए मेरी फैमिली। तो मिलते हैं जल्दी आप लोगों से, बाय बाय।